अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो के अंदर मैं बनाने वाला हूं ये वाला पैडॉक स्टैंड मेरी एथर 450X के लिए, जिसमें मिरर स्टैंड नहीं आता है। इसको बनाने के लिए मुझे अप्रॉक्सीमेटली 225 रुपीज़ का खर्चा आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाले पाइप का पीस, जिसकी साइज़ नॉर्मल लोकल जबान के अंदर 1.5 पावना बोलते हैं, 1.5 इंच बाई 0.75 इंच। तो ये साइज़ का पाइप यूज़ कर रहा हूँ। तो जल्दी से इसकी कटिंग कर लेते हैं। सारे पार्ट्स मेरे कट होकर रेडी हो चुके हैं। कुछ इस तरह इसको वेल्डिंग कर देता हूँ मैं। तो पहले इसको वेल्डिंग कर लेता हूँ और वेल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं इसकी। वेल्डिंग फाइनल हो चुकी है। यहाँ पर मैंने जो एथर के बेरिंग्स थे वही लगाया हूँ, यहाँ पर यूज़ किया हूँ। रिसेंटली जब मैं गया था सर्विसिंग के लिए तो बेरिंग जो खराब हो गए थे उसमें 2 बेरिंग अच्छे थे, तो वही बेरिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल पाइप एक अटैच कर दिया जिसके अंदर एक नट है, इसका काम मैं आगे समझाता हूँ आपको। मिरर यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर भी बेरिंग हो चुकी है, तो इसको भी पेंट कर लेते हैं और जाकर टेस्ट करते हैं। तो पेंट करने के बाद ये कुछ इस तरह दिख रहा है। तो पेंट इसका ड्राई हो चुका है और ये फाइनल हो चुका है अभी। और अब इसकी टेस्टिंग करते हैं बाइक के ऊपर। तो ये मेरी 450X है एथर। इसको लगाने के लिए बाइक को पहले तो वर्टिकल कर देना है, उसके बाद ये जो नट है जो मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था उसको अंदर प्रेस करना है, और उसके बाद इसको नीचे प्रेस कर देना है। तो ये कुछ इस तरह काम करता है। और निकालने के लिए सिंपली इसको पुश करना है बाइक को, और ये निकल गया। तो ये पैडॉक स्टैंड के प्लान्स मैंने एंड स्क्रीन के ऊपर लगा दिया हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। प्राइस लिस्ट भी उसके अंदर मिल जाएगी आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। तो इस पैडॉक स्टैंड की डिटेल्स तो इस प्राइस स्टैंड की डिटेल्स मैंने तो इस प्राइस तो इस पैडॉक तो इस प्राइस तो इस